नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक उत्प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है उत्प्रेरक का, उनके बारे में पूरा इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है, आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ। ये एक आदमी है, दूसरा आदमी ये है, और ये तीसरा आदमी है। ये आदमी इससे कुछ बातें करता है और इसको बोलता है कि इस आदमी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा, तो ये आदमी आकर इसको पर गुस्सा निकालता है। तो अब ये जो बीच वाला मेडिटर है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। अब ये दोनों अगर झगड़ा करेंगे तो इस बीच वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया, बीच वाला जो मीडिएटर है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये अभी इसके वेग को या तो कम करेगा, यानी इसके गुस्से को या तो कम करेगा या बढ़ाएगा। तो ये बीच वाला क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक। अब आपको विज्ञान की भाषा में उत्प्रेरक क्या होता है वो समझना है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, यानी या तो वेग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। समझ में आया, बीच वाला मीडिएटर। अब एक उदाहरण देखें, पोटेशियम क्लोरेट। अब MnO2, ये इसको पोटेशियम क्लोरेट को 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटन कर रहा है। अब इसमें जो MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है वो क्या है, उत्प्रेरक। इसको इसका डिवाइड करने पर इसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा, ये सिर्फ इसके वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वेग को बढ़ा रहा है। ओके, समझ में आया। अब एक उदाहरण अब और अपन लें, वनस्पति तेल है, उसमें +H2 हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं और निकिल एक उत्प्रेरक है, इससे क्या बन रहा है, वनस्पति की। तो ये अभिक्रिया के वेग को क्या करा रहा है, बढ़ा रहा है। निकिल क्या कर रहा है, उत्प्रेरक है। ओके, अब अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरक। अवस्था आपको पता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये भौतिक अवस्था होती है। वैज्ञानिक आधार पर पांच होती है, प्लाज्मा और बोर्ड आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो पांच अवस्था होती है। लेकिन आपको सिर्फ भौतिक अवस्था के बारे में है, तो ठोस, द्रव और गैस। ओके, ठोस को S लिखते हैं, द्रव को L लिखते हैं और गैस को G लिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन अवस्थाओं के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो संभागी, संभागी मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों ही सेम यानी समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक संभागी उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा क्रिया संभागी उत्प्रेरण कहलाती है। एक उदाहरण से समझे, 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और उत्प्रेरक क्या है, NO। ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये भी गैस में और ये भी गैस में, तो ये कैसा उत्प्रेरक है, NO, समांगी उत्प्रेरण, मतलब समान अवस्थाओं में। ओके, सिंपल भाषा में। दूसरा है अपने पास विषमांगी, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, तथा क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। समझ में आया, सिंपल भाषा में कि आपके पास जो भी अभिकारक है और उत्प्रेरक है वो अलग अलग अवस्थाओं में है तो क्या कहलाएगा, वो विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे कैसे, जैसे नाइट्रोजन N2+3H2, ये गैस अवस्था में, ये गैस अवस्था में। आपके पास उत्प्रेरक क्या है, Fe, फेरस, वो कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, और O2NH3 अमोनिया गैस अवस्था में। तो यहाँ पे समझना, जो Fe है, फेरस है, वो सॉलिड अवस्था में, ये दोनों गैस अवस्था में, तो Fe कैसा उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक। एक उदाहरण और देखें अपन, वनस्पति तेल, वो लिक्विड अवस्था में, H2 गैस अवस्था में, और निकिल जो उत्प्रेरक है वो कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, तो ये कैसा उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक। समझ में आया, वनस्पति घी बन रहा है लेकिन ये दोनों ही उत्प्रेरक कैसे हैं, विषमांगी उत्प्रेरक है। समझ में आया, बहुत सिंपल भाषा में समझाया। अब क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार, क्रिया मतलब एक्शन, जो भी वो क्रिया कर रहे हैं उसके आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक, धनात्मक मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं।
मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अगर उसके वेग को वो बढ़ा रहे हैं तो वो धनात्मक उत्प्रेरक है। कैसे? जैसे टू के सी एल ओ थ्री पोटेशियम क्लोरेट है, अब इसमें जो MnO2 है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है वो कैसा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक है। इसी तरह से 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, जहाँ NO नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक है। मतलब ये जल्दी से 2KCl प्लस 3O2 में और 2SO3 बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा, यानी अभिक्रिया के वेग को ये बढ़ा रहे। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक है। सेकेंड आता है अपने पास ऋणात्मक उत्प्रेरक। नाम से स्पष्ट हो रहा है ऋणात्मक, नाम ऋणात्मक का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाला उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। कैसे? जैसे 2H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इस कुछ मात्रा में इसमें ग्लिसरॉल मिक्स कर देते हैं और ग्लिसरॉल क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ये क्या करता है? 2H2 प्लस O2 में H2O2 को तोड़ने से बचाता है। ओके, समझ में आया? हाइड्रोजन परऑक्साइड को सुरक्षित रखने के लिए अपन उसमें क्या मिला रहे हैं? ग्लिसरॉल मिला रहे हैं, ताकि वो जल और ऑक्सीजन में ना टूटे। एक उदाहरण और देखें दोस्तों, एक उदाहरण और समझे। क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन, इसमें एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। एथेनॉल क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। फॉस्फोजीन गैस में जाने से बच रहा है, एक हानिकारक गैस होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तोड़ने से बचाता है। तीसरा आता है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः मतलब जो स्वयं उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक अभिक्रिया करता है तथा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो वह उत्पाद क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक। एक उदाहरण से समझे, एथिल एसीटेट है प्लस जल है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यहाँ पे कैसा कार्य कर रहा है? स्वतः उत्प्रेरक की तरह। कैसा? स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। मतलब ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये दोस्तों ये उत्पाद है और ये अभिकारक है अपने पास। तो ये जो उत्पाद है वही अभिकारक मतलब उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, तो स्वतः उत्प्रेरक। फोर्थ आता है अपने पास जैव उत्प्रेरक। जैव मतलब जो जैव रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ाने के काम आते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें साधारणतः एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन, जो अपने शरीर में होता है प्रोटीन। ओके, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, यानी जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे वो क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक। कैसे? जैसे दोस्तों यूरिया, आप जो यूरिया यूज़ करते हो फर्टिलाइजर के रूप में, उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 प्लस H2O। उसमें आपने एक उत्प्रेरक मिला है यूरिएज, जो इसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ रहा है, तो जो यूरिएज है वो क्या उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक। ओके, एक उदाहरण और, माल्टोज इसको माल्टेज में तोड़ रहा है और क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो माल्टेज है वो क्या है अपने पास? जैव उत्प्रेरक। समझ में आया? यानी जो जैव रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ाते हैं। ओके, अब कुछ जैव रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता है। कैसे? जैसे सबसे पहला है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक मतलब वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं है। समझना, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन स्वयं उत्प्रेरक नहीं है। ओके, एक उदाहरण से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2, इसमें Fe और MO, ये फेरस है, ये मोलिब्लेडनम है। ये फेरस तो क्या है आपके पास? उत्प्रेरक है, और जो मोलिब्लेडनम है वो उत्प्रेरक वर्धक है। ये स्वयं तो कुछ भी उसमें अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये फेरस की क्रियाशीलता को क्या करेगा? बढ़ा देगा। एक उदाहरण और देखें, वनस्पति तेल प्लस H2, इसमें निकिल तो क्या है? उत्प्रेरक है, और कॉपर क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है, जो वनस्पति घी बना रहा है। लेकिन निकिल जो है वो तो उत्प्रेरक हुआ, लेकिन कॉपर क्या हुआ? उत्प्रेरक वर्धक हुआ। समझ में आई बात? सेकंड आता है उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक क्रियाशीलता में कमी हो जाती है उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। एक उदाहरण देखें, अभी आपने इसमें देखा ये और ये N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन Fe, अगर Fe के साथ में मोलिब्लेंडम मिला हूँ तो उत्प्रेरक वर्धक है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिला रहा हूँ तो वो उत्प्रेरक विष है। आया समझ में बात? सिंपल है ना दोस्त? आप बिल्कुल एकदम अच्छे से एक बार देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा।
अब उत्प्रेरक जितना अपन ने पढ़ा उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक के गुण देखें। उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके स्वयं के रासायनिक संगठन में मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहला समझ में आया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करे, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करे। अपन ने देखा ना अभिक्रिया के ऋणात्मक और धनात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं, स्वतः उत्प्रेरक भी होते, उत्पाद भी उत्प्रेरक होता है और जैव रासायनिक एंजाइम्स। अब दूसरा, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, क्या कैसी मात्रा, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल भारी भरकम मात्रा नहीं चाहिए, सिंपल सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। दूसरा भी समझ में आया। तीसरा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकता, मतलब आपको अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक चाहिए। तीसरा बढ़ में समझ में आया। चौथा, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है या घटाता है। ओके, मतलब ये प्रारंभ नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन भी समझ में आया। फिफ्थ, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब जो इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में दोनों भी साथ साथ चलता है, यानी जो उत्पाद होता है और अभिकारक, ये दोनों साम्यावस्था में चलते हैं। तो ये जो उत्प्रेरक होगा वो अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करेगा। ओके, लास्ट पॉइंट, उत्प्रेरक निश्चित ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होता है। उत्प्रेरक निश्चित ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होता है, ताप बदलने पर क्रियाशीलता प्रभावित होती है, मतलब आपका जो उत्प्रेरक है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।